स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सनातन विरोधी बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, लेकिन सपा इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी डीएमके और कांग्रेस के कई नेता सनातन और हिंदू धर्म विरोधी बयान देते रहे हैं, जिसको लेकर भी भाजपा बेहद मुखर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान के कारण भाजपा के निशाने पर हैं। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को खत्म नहीं कर सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टिकरण के आधार पर है और वह तुष्टिकरण सिर्फ और सिर्फ सत्तार वोट के लिए। पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भी आडंबर माना था। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुप हैं, लेकिन पार्टी मौर्य को चेतावनी दिए जाने का दावा करती है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को निजी बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, तो ये पार्टी की सोच नहीं है। मानना है कि जो उनकी राय है वो सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाजपा पूछ रही है कि आखिर सनातन की सहनशीलता को लेकर इतनी भद्दी सियासत क्यों हो रही है। इस तरह का बयान देने वाला वो तो एक तो इंसान हो नहीं सकता। हिंदू धर्म क्या आजकल नहीं आया है? हजारों साल से हिंदू धर्म भारत में है। और मैं समझता हूँ इन लोग गठबंधन या कोई जो भी कोई इस तरह का ये करेंगे, मस्ती करेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। ये जो इंडी अलायंस के लोग हैं, इनको सनातन का अपमान करना, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करना इनका फैशन बन गया है। मेरा विश्वास है कि 2024 में इनको देश की जनता विरोध करने लायक भी नहीं छोड़ेगी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस से लेकर दूसरे मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन के कई नेता लगातार सनातन को निशाना बनाते आ रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का विवादास्पद बयान चर्चा में था। गाय और गंगा सनातन संस्कृति की भावना से जुड़ी है, लेकिन डीएमके नेता उदय निधि इसे सनातन की बीमारी बताते हैं और इसे खत्म करने का प्रण लेते हैं। लेकिन मोहब्बत की दुकान से बेची जा रही नफरत की सामग्री पर पूरा विपक्ष खामोश क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और अयोध्या